नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही चावल लालकुई एवं भेरुंदा में आयोजित किसान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भेरुंदा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने 111,97,85,000 लागत के 34 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि किसानों की तकदीर बदल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामों में गरीबी मुक्त अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्मों के बीज विकसित किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। उन्होंने कहा शहरों के साथ ही अब ग्रामों में भी स्ट्रीट वेंडर योजना चालू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूलों एवं स्कूल बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने बहनों से संवाद किया, लाली बहनों से राखी भी बनवाई। नसरुल्लागंज से न्यूज 69 के लिए अनीस खान की रिपोर्ट। आज जो प्यार मुझे मिला है वो अद्भुत है। सवेरे मैं निकला था ये सोच के कि 2 बजे कार्यक्रम स्थल पे आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ आते आते शाम हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। ये प्रेम परिवार का प्रेम है, बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, और ये प्रेम यही संकल्प पैदा करता है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जनता की सेवा में गुजारूं। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बहनों की सेवा मेरे लिए देवियों की पूजा है। दिन रात जी जान से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी जनता की सेवा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, संकल्प गांव को गरीब मुक्त बनाने का, संकल्प लखपति दीदी बनाने का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में मैं भी परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह अपना पूरा विशाल और विराट परिवार, हमारा पूरा परिवार इस बड़े परिवार का सेवक है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।